अभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते भानु भैया। नमस्ते सभी को। हेलो। नमस्ते भैया। ऑब्जर्वेशन तो नहीं, तो आपने जो प्रश्न किए थे, सुख स्वभाव है या प्रभाव के बारे में, चार प्रश्न किए थे, उनको दोहराएंगे, अभी दोहराएंगे या बाद में आप दोहरा सकते हैं? जी एक बार इस अभ्यास पे लोगों का ऑब्जर्वेशन सुन लेते हैं, फिर मैं ठीक ठीक दोहरा भी ठीक दूंगा ठीक आगे ठीक बात ठीक है करने ठीक से। ठीक ठीक है ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते हाँ रविकांत भैया। नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। भैया मेरी आवाज पहुंच रही है? जी ठीक आवाज आ रही है आपकी। भैया। भैया कल का जो इन बिंदु पर शेयरिंग है वो मैं रखना चाहूंगा। जी रखें कल बिल्कुल। जी, कल भैया शाम को कुछ ऑफिस में कुछ ऐसा कि तभी मैं इंग्लिश सत्र में उसको शेयर कर रहा था, तो एक मेल आया था और जिसमें हमें ये पूछा गया था कि आपने किसी बात पर कंप्लेंट नहीं किया है, और फिर उस वो एक 45 1 घंटे का जो वो ऑफिस का जो टाइमिंग रहा, मतलब ऑफिस ऑफिस में ऑफिस के बाद वाला, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहा। फिर मैं वापस इधर अपने निवास स्थान पर आया और वहाँ पे फिर मैंने इसको देखा, जैसे 1 घंटे में आराम से बैठा और इसको देखा कि एक्चुअली क्या चल रहा था। तो मैं उसमें ये देख पाया था कि जैसे कोई सूचना मुझे मिलती है कि ये बात आपसे हुई नहीं है, और फिर आपको कैसे फील होता है। तो मैं अपने आपको भैया देख रहा था कि जैसे वो सूचना मिली तो मैं धीरे से फिर उसको पढ़ा पूरा, उसको डबल पढ़ा, जो आक्षेप जो लिए गए तो उसको डबल डबल पढ़ा। फिर उसको हमने इसके पहले कोई रिप्लाई दिया गया होगा, उसके बारे में मैंने सारे मेल चेक किए, और फिर उसी स्थिति में, मतलब मैं थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब तो था ही, और उस वक्त मैं ये भी देख रहा था कि मैं अपने चीज़ों को मैं मैनेज भी कर रहा हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे, चूंकि ऑफिस में कोई था नहीं, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने इस बात को शेयर किया, और फिर मैं अपना काम भी लगा रहा कि कहीं ना कहीं हमने रिप्लाई भेजा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा। तो ये जब मैं ऐसे कल जब ऐसे सोच रहा था, देख रहा था, तो एक बात ध्यान में आई कि ये जो 2 3 सत्र जो हुए हैं योजना के, उसके कारण एक स्टेबिलिटी आई। मैं अपने आप को देख पाया कि मैं उस चीज़ को अटेंड भी कर रहा हूँ। थोड़ा डिस्टर्ब तो जरूर हो गया था, और ये भी देख रहा था कि ऐसी गलती तो हमसे होती नहीं, पर अगर हुई है तो उसको मैं ट्रेवर्स भी कर रहा था, देख रहा था। और जैसे ही मेरे किसी साथी ने मुझे बोला कि सर इसको हमने ऑलरेडी रिप्लाई कर चुके हैं, तो फिर मेरी जो मनस्थिति थी वो एकदम शांत हो गई। तो ये सारी बातों को मैं कल देख रहा था। तो कल जो 1 घंटा जो मैंने देखा कि इसको मैं कैसे हैंडल कर रहा था, तो मुझे एक एक चीज़ तो दिखी कि अगर मैं मतलब स्थिर अवस्था में रहता हूँ या फिर अपनी मतलब हारमोनी में रहता हूँ, तो मेरा मन स्टेबल रहता है और मैं सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए अपने प्रयास कर सकता हूँ। और जैसे ही सॉल्यूशन मेरे दृष्टिक्षेप में आ जाता है या फिर मेरी कल्पनाशीलता में आ जाता है, तो फिर मैं एकदम मतलब हार्मोनी में आ जाता हूँ, या फिर तब कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं है। तो इस बात को कल मैं एनालिस कर पाया भैया, 1 घंटा आराम से बैठ के। और वैसे भी मैं बहुत बार अभी जैसे बाहर की चीज़ों से तो डिस्टर्ब होता नहीं हूँ, पर एक बात ध्यान में आई कि जैसे जैसे मेरे अंदर में स्थिरता हो रही है, वैसे वैसे मैं चीज़ों को ठीक ठाक ढंग से और आराम से सिंक्रोनस होके या फिर सिक्वेंशियली उसको मैं देख सकता हूँ। डिस्टर्ब तो होता हूँ, पर जैसे पहले डिस्टर्ब होता था तो जो प्रभाव मुझ पर पड़ता था, मैं थोड़ा सा रेज होता था, गुस्सा आता था, किसको भी कुछ भी बोल सकता था, या फिर मेरा मुझ पर नियंत्रण नहीं रहता था। लेकिन लेकिन कल शाम को मैं उसको देख पाया कि मैं बड़े इससे देख रहा हूँ, डिस्टर्ब तो था ही, पर जो एक्सप्रेशंस है, जो ये भी है, वो ज्यादा मतलब वो थे ही नहीं, और मैं चीजों को मैनेज करके अरेंज करके देख रहा था। तो ये भैया मैं कल 1 घंटा उसको अपने आप को ऑब्जर्व किया कि ऐसी स्थिति मतलब मेरे में आ गई है। जी 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 भैया, ओवर टू। थैंक यू भैया। रविकांत भैया, तो ठीक बात है कि आपने एक एफर्ट किया, कुछ इंसिडेंसेस घटनाएं किसी कार्यस्थल पे घटी, उसका आप पर कुछ प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव बस आप में कुछ बेचैनी हुई,
सामान्यतः कई बार हम उस बेचैनी को भी नहीं देख पाते, उसके मूल कारण को भी नहीं पहचान पाते, और उसके लिए जो ठीक काम करना है ठीक करने के लिए वो भी नहीं कर पाते। तो अगर अपने पर ध्यान नहीं रहता है तो ये तीनों स्टेप नहीं कर पाते, पर अगर अपने पे ध्यान रहता है तो ये तीनों स्टेप कर पाते हैं। तो देखेंगे तो एक और घटना घटी कि ऑफिस में जो भी इंसिडेंस घटा वो तो कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, कुछ घटना घटी, हम उसको लेकर दिन भर अपने भीतर बेचैन रह सकते हैं, सप्ताह भर रह सकते हैं, महीनों रह सकते हैं, वर्षों भी रह सकते हैं। तो हम आप जब बैठकर 1 घंटा अपने आप अपने साथ समय बिताते हैं तो पता चलता है कि हमारे विचारों में बहुत सारी बातें चल रही हैं। शुरुआत में तो वो इतनी तेज, इतनी फास्ट चल रही होती है कि बहुत ठीक से हम देख नहीं पाते, बट कुछ बार और अभ्यास करने के बाद हमारी जो स्थिरता है वो बढ़ती है और हम देख भी पाते हैं कि क्या क्या ये चल रहा है। कुछ पिछले दिन का चल रहा होता है, कुछ भविष्य का चल रहा होता है, कुछ 5 साल पहले का चल रहा होता है, कुछ 2 दिन पहले का चल रहा होता है, बहुत वेराइटी रहती है उसमें। और किसी चीज से मैं परेशान हो रहा होता हूँ, किसी चीज से आराम में भी रह रहा होता हूँ, ये सब हलचल चल रहा होता है। तो अच्छी बात है आप ऑब्जर्व कर पाए। धीरे धीरे जैसे जैसे इस 4 महीने के सत्र में आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात के लिए भी अभ्यास करेंगे कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, और धीरे धीरे इस बात के लिए भी अभ्यास कर सकते हैं कि हम किस तरह से अपने स्वभाव में स्थिर हो सके कि इस तरह के पड़ने वाले क्षणिक प्रभाव भी हमारे भीतर के हारमोनी को डिस्टर्ब ना कर सके। उस समय हमारी हारमोनी जो थी वो बनी ही रहे और हम बाहर की परिस्थितियों को भी बेटर ढंग से डील कर पाए। इन सभी मुद्दों पर हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो पहले स्टेप पे कुछ उपलब्धियां हुई हैं जिसको आपने साझा किया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग जी नमस्ते भानु भैया, मैं डॉक्टर प्रशांत, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग नागपुर से हूँ। लगभग 35 साल नौकरी करने के बाद 59वां साल चल रहा है और ये मेरा चौथा सत्र है, 7, 8, 9, 10। और मैं ये पा रहा हूँ आप लोगों से जुड़ के कि ये हैप्पीनेस इज रियली एन इनेट नेचर। इसला एक मैं प्रमाण देना चाहता हूँ, जब मुझे कोई कुछ भी बोलता है थ्रू आउट द डे, आई एम ऑब्जर्विंग, मैंने डायरी रखी हुई, दूसरी डायरी भर गई अभी, तो उसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो कुछ भी मुझे करना है या मेरे साथ होता है वो बाहरी परिस्थिति से भले ही दिख रहा हो लेकिन उसको देखने वाला मैं हूँ। जो मैं अंदर मतलब है, या अभी जो हम इनेटनेस जिसे बोल रहे हैं, उसके सारे कुछ भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, जैसे कि अभी रविकांत भैया ने बताया, तो ऐसी चीजें का मेरे ऊपर नॉर्मली असर नहीं होता भैया। तो क्या भैया ये मेरी स्थिति ठीक है या मुझे इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, प्लीज थोड़ा सा भानु भैया। थैंक यू ये जी। निष्कर्ष तो मुझे ठीक ही लग रहा है कि हमने कुछ महीने अभ्यास किया है, अपने पे मेहनत किया है, तो कम से जी कम हम अपनी स्थिति के बारे अवेयर रहते हैं। अपनी जी स्थिति के बारे अवेयर रहने मात्र से ही जी जो बाहर का प्रभाव है वो बहुत सारा हमको उससे हम प्रभावित रह पाते हैं बहुत हद तक। जी लेकिन उसके साथ साथ एक कदम जब और आगे बढ़ते हैं कि हमारा जी जो स्वभाव है, जो सहज जी स्वीकृत भाव है, जी हमने उसको समझ लिया है और उसके जी आधार पर अपने भाव विचार को सुनिश्चित किए हुए हैं, और उसके जी साथ इस बाहर की परिस्थिति को जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको देख रहे हैं, तो जी उससे जो क्षणिक प्रभाव भी अपने अंदर, क्षणिक विचलन भी अपने ऊपर आ रहा होता है ना, या जी दूसरे को बहुत सारा इग्नोरेंट सा कई कई बार चला जाता है कि आदमी के ऊपर तो कोई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिख रहा, तो आप एग्जैक्ट वो भी देख पाते हैं कि उस आदमी की ये स्थिति है, वर्तमान में ये परिस्थिति है। अपना भाव ठीक रखते हुए अपनी हारमोनी और उसकी हारमोनी और पूरे प्रोजेक्ट को व्यवस्थित आगे चलाने के लिए क्या उचित कदम इस समय उठाया जा सकता है, मैं वो भी जी उठाता रहता हूँ। तो जी समहाउ कई बार जब हम दूसरे को इग्नोरेंट सा जो फील होता रहता है हमारे, उसको लगता है इन पर तो कोई असर नहीं पड़ते, तो चिकना घड़ा हो गए, इनको डांटो तो भी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता और चिल्लाओ भी, तो धीरे अक्सर धीरे, होता है हाँ मेरे साथ। जी धीरे धीरे हम उस स्थिति से भी उबर पाते हैं कि आदमी जिम्मेदार है क्योंकि चीजों को जिम्मेदारी से सोचते हैं। जी तो धीरे धीरे हम लोग आगे उस तरफ भी बढ़ेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए कुछ उपलब्धियां हुई ही हैं, और आगे जी और हम जी लोग मिलकर मेहनत करेंगे। जी बिल्कुल जी। नमस्ते, आपको सुनने के लिए पहली बार ही बात हो रही, आगे मैं बात करता रहूंगा। नमस्ते नमस्ते सभी को, धन्यवाद, नमस्ते थैंक यू। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर राजू, अगर हम लोग के बीच उपलब्ध हो गए हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं।
आपका बहुत नमस्ते, जी नमस्ते भैया, भानु भैया, मैं इंग्लिश सेशन भी भैया का अटेंड कर रहा हूँ, कुमार भैया का, और आपका हिंदी का भी। अभी मुझे एक कंटिन्यूटी तो आ गई है कि ये सेशंस अटेंड करना है। भैया मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है भैया। ठीक ठीक है भैया। एक दिन का मैं छोटा सा एक इंसिडेंस बहुत ब्रीफ में रखता हूँ। हमारे मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बोल के काम करता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में। तो एक मेरा जिम्मेदारी है कि मैं पूरे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग अरेंज करता हूँ। तो एक दिन डायरेक्टर सर का कुछ तो भी मूड खराब था, उन्होंने मीटिंग में ही मुझे बेवजह से झाप दिया सबके सामने, और सबको भी झाप रहे थे कि उनको डांट रहे थे, सॉरी ये वर्ड थोड़ा सा मेरा अलग है, डांट रहे थे तो मुझे भी डांटा। तो मैं इंस्टेंटली उन मेरे भाव बदल गए चेहरे के, और बॉडी बॉडी में एक कंपन सा आ गया। तो मैंने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में रात को 2 बजे तक नहीं सो पाया, और मैं मेरा काम तो प्रामाणिक करता था, सब करता था। तो मैंने रात के 2 बजे डायरेक्टर सर को मैसेज डाल दिया। उसके बारे में डालू ना डालू ऐसा बहुत मेरे मन में उलझन थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्या कर लेंगे, कल से बोलेंगे कि मत आओ। तो मैंने मैसेज डाल दिया। मैसेज ऐसा था, गुड मॉर्निंग सर, आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट मिडनाइट, बट राइट टिल टुडे टिल नाउ आई एम अनेबल टू स्लीप। व्हाई यू स्कोल्डेड मी वेयर आई वॉज रॉन्ग, आई एम डूइंग एट माई हाइएस्ट लेवल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, थैंक यू सर, आई एम फीलिंग बैड। ऐसा बोल के मैंने वो मैसेज डाल दिया, और डायरेक्टर सर ने शायद वो 3-4 बजे सुबह उठते थे, मैं उसके वो मैसेज डालने के बाद मैं सो गया। इतना अच्छी गहरी नींद आई कि एटलीस्ट आई एक्सप्रेस। और उसके बाद मैं सुबह 7 बजे उठा तो मैंने देखा वो ब्लू हुए वाला तो मैसेज उन्होंने पढ़ा था। और 2 दिन बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई तूने ऐसा मैसेज क्यों डाला, मुझे कॉल करने को बोला। तो मैंने बोला सर मैंने तो रिपोर्ट भेज दिया है। नहीं, तूने ऐसा मैसेज क्यों डाला? मैं बोला सर देखिए आपने मेरे को क्यों डांटा इसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, 2 बजे तक मैं नहीं सोया तो उसकी वजह से ऐसा डाला। ये मैंने इंसिडेंस उनको डायरेक्टली बोल दिया, और बोले वो ऐसा मैसेज प्रिंसिपल को डांटते हैं क्या है? ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो मैं बोला प्रिंसिपल भी ऐसे नहीं बोलते ना। तो वो बात खत्म हो गई। लेकिन उस दिन मैंने एक देखा कि अगर मुझे किसी बाहर की वजह से ऐसे आते हैं तो मेरा तो बैलेंस जाता है, लेकिन मैं उसका रिप्लाई देने के बाद मैं फील करता हूँ। ये दोनों भी सिचुएशंस मैंने खुद में अपने ऊपर देखी थी। तो अभी मैंने वो रिप्लाई करना बंद कर दिया है, सिर्फ अभी देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ और छोड़ देता हूँ। ये स्थिति अभी मैं यूएचयू में ज्वाइन होने के बाद आ गई है। भैया क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? जी भैया, पूरे इंसिडेंस में जो मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है वो तो यह है कि आप अपने प्रति ऑब्जर्वेंट बने रहे, वो एक महत्वपूर्ण बात है। जी भैया, बाकी घटना का विश्लेषण कई ढंग से किया जा सकता है, जिसमें एक ढंग ये भी है कि हम ये लिख तो रहे हैं कि हमको विदाउट एक्सपेक्टेशन हम अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन तो बना ही हुआ है, सामने वाला हमको डांटे नहीं, या कम से कम डांटे तो हमको वैलिड रीजन बता के डांटे। जी भैया, जी भैया, ये एक्सपेक्टेशन हमारे भीतर बना ही हुआ है, अगर हम अपने भीतर ऑब्जर्वेंट रहेंगे तो धीरे धीरे ये दिखेगा कि ये भी एक एक्सपेक्टेशन है, अच्छा जी भैया, जी भैया, सामने वाला या तो हमको डांटे नहीं, या फिर डांटे तो हमको एक वैलिड रीजन के साथ डांटे, तो हम उस डांट को पचा लेंगे, और जब तक हमको वो वैलिड रीजन नहीं दिखता तब तक हम उस डांट को नहीं पचा पाएंगे। ये भी हमारा एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे जैसे हम अपने प्रति ऑब्जर्वेंट होने वाले इस काम को और गहराई से बढ़ाएंगे तो इन छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस को भी देख पाएंगे, फिर जी भैया, जी भैया, ये भी देख पाएंगे कि डांटा तो उन्होंने 2 मिनट, आप सिर्फ मेरे को ही नहीं डांटा, 20 लोगों को डांटा, क्या सभी रात के 2 बजे तक नहीं सो पाए, क्या सभी उतने ही बेचैन रहे, तो ध्यान में आता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, कोई लोग ज्यादा देर तक बेचैन रहे, कोई आधा घंटा ही बेचैन रहा, और किसी के ऊपर उसका फर्क ही नहीं पड़ा, जी भैया, जबकि डाटा तो सबको एक ही तरह से गया था। तो जी ये पता भैया, लगता है कि हमारी बेचैनी सिर्फ डांटने वाले के स्थिति पर ही निर्भर नहीं है,
हम अपने प्रति कितने होश में हैं और साथ ही साथ अपने भाव विचार को अपने समझ के आधार पर कितना सुनिश्चित कर पा रहे हैं, उसके आधार पर हमारी बेचैनी होगी कि नहीं होगी और होगी तो कितनी देर तक होगी ये निर्धारित होती है। जी भैया, इसका तीसरा मतलब ये हुआ कि यदि मैं अपने स्वभाव को ठीक से समझने पर उसको अपने में सुनिश्चित करने पे काम करता हूँ तो मैं दूसरे व्यक्ति के इस तरह के गलत मूल्यांकनों से भी निष्प्रभावी रह सकता हूँ, बेचैन होने से बच सकता हूँ, साथ ही साथ व्यवस्था के अर्थ में जो उचित हो सकता है वो कर सकता। जी भैया, जी भैया, तो जी जी दो जी निष्कर्ष यहाँ और मैं जोड़ूंगा आपके निष्कर्ष में कि मैं बेचैन रहा रात के 2 बजे तक, उसके प्रति मैं ऑब्जर्वेंट रहा, उसको देख पाया, ये तो उपलब्धि है, लेकिन और होश जी भैया, पूर्वक जी देखूंगा तो एक और उपलब्धि होगी। ये जो मैं बेचैन रहा इसमें सिर्फ डांटने वाले का ही रोल है ऐसा नहीं है, मैं जिस भाव विचार के साथ, जिस स्थिति परिस्थिति के साथ, अपने जिस इमेजिनेशन के साथ उस घटना को देख रहा हूँ उन दोनों को मिलाकर मेरी बेचैनी डिसाइड हो रही है। तो जी एक तो भैया, तरीका यह है कि दूसरे को मैंने रिप्लाई कर दिया और जितने बेचैन था उससे थोड़ी राहत पा गया, जी लेकिन भैया, उससे मेरा अपमान सम्मान में नहीं बदल गया। हाँ हाँ तो ये दिखता है कि मैं ना बाहर की परिस्थिति से सम्मान को जोड़कर देख रहा था तो उस पर कुछ आहत था हुआ है ना, तो एक तरह से एक प्रभाव है। सम्मान क्या है, मैं अपनी दृष्टि में अपना सम्मान कर पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। वो अगर मैं अपने जी में ठीक भैया, से अपने स्वभाव के आधार पर सुनिश्चित कर लेता हूँ तो मैं ये देख पाता हूँ कि दूसरा आदमी किसी कारण से बेचैन है, उस कारण से उसने कहा, जबकि 5 साल से मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, हर बार तो ऐसा नहीं कहता, तो मैं उसको उसकी परिस्थिति के साथ इवेल्युएट कर पाता हूँ, मेरा भाव भी जी नहीं भैया, बिगड़ता और मैं उससे पूछ पाता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हुई क्या, मेरे स्लिप से हुई तो हमें जो भी ठीक करना है कर लेते हैं, जी है ना। भैया, तो ये जी सारा भैया, संवाद हो पाता है, बट ये अच्छी बात है कि कुछ स्टेप आप आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी लंबी यात्रा है जो हम सबको मिलजुल के करना है, जी अपने भैया, लिए भी जी भैया, और औरों के लिए जी भैया, जी भैया, जी भी। जी 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 थैंक यू भैया, थैंक यू, नमस्ते। तो नमस्ते सभी को। भैया मैंने कुमार भैया के साथ 2.5 सेशन मॉर्निंग बैच लगाए थे 2021 में और 22 में। 23 में मैंने कोई सेशन अटेंड नहीं किया, तो 24 में भी फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उस समय थोड़ा फ्री थे तो अभी जॉब रहता है, तो कम से कम रिकॉर्ड करके कॉन्टिन्यूटी में इस सेशन को लगाने की बैच को कोशिश करेंगे। और कल भैया अभ्यास जो एक्सरसाइज थी, तो 40 मिनट अपने साथ बैठने की कोशिश की, तो ज्यादातर समय आराम में ही बने रहे, क्योंकि वो जो प्रपोजल एक मिला हुआ है पहले एक्सरसाइज में कि कल्पनाशीलता को जैसा है वैसा देखना है, तो कोई रिएक्शन नहीं करना, तो उसको उसको देखने की कोशिश की। पर मोस्ट ऑफ द टाइम तो भाव तो नहीं दिखता, जो विचार चलते हैं वो काफी रैंडम चल रहे थे, और ज्यादातर समय तो अगर बाद में उसको एनालाइज करते हैं तो नेचुरल एक्सेप्ट ऐसे नहीं कह सकते कि सहज स्वीकार ही सारे विचार चल रहे थे। तो बट जो उसको जैसा है देखना है वो प्रपोजल की वजह से आराम में बने रहे। और दिन भर में भैया ऐसा है कि ज्यादातर समय तो प्रभाव बनाने कि अगर एक्शन नहीं होते तो कल्पनाशीलता तो ज्यादा अनुकूलता और प्रभाव से सुख पाने पे ही चलती है, इसको देख पाते हैं। ज्यादातर समय कल्पनाशीलता होती है कि कैसे अनुकूलता या प्रभाव से सुखी हो जाएंगे, पर पिछले 2-3 साल से जो रिपीटेड मुद्दे थे जिनसे ज्यादातर दुख आता था, जिससे ज्यादा विचलित हो जाते थे, या कई कई दिन जिन पे कल्पनाशीलता में अनकंफर्टेबल रहते थे, उनसे कई मुद्दों में रिजॉल्व हो पाए और जल्दी निकल पाते हैं। ऐसी स्थिति चलती रहती है दिन भर, और जब बैठ कर देखने की कोशिश करते हैं, समय निकालने की कोशिश करते हैं, पहले तो रेगुलर बिना कुछ करे बैठ पाते थे, अभी फिर से कोशिश करेंगे। इतनी रेगुलरिटी नहीं है कि हर रोज अलग से बैठ के बिना किसी इनपुट के अपने साथ बैठने का इतना अभ्यास नहीं है, पर फिर भी वीक में 3-4 घंटे तो हो ही जाता है। यही है भैया, जी, थैंक यू भैया, थैंक यू ये सभी बात को, है थैंक अरविंद, आपने दो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर किया। एक तो आप अपने साथ बैठने के लिए समय निकाल पाए, दूसरा
तो बहुत कुछ जो आपके विचारों में, कल्पनाशीलता में चल रहा है उसको देख पाए। दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन आपने जो शेयर किया वो ये किया कि हम अकेले बैठे हैं, कोई गैजेट नहीं यूज कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के से बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी से अपने को जोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपनी कल्पनाशीलता में देखते हैं तो दूसरे आदमी के बारे ही सोच रहे हैं, दूसरे एक्सटर्नल चीजों को अनुकूल बनाने के बारे ही सोच रहे हैं। तो हम अकेले भी बैठे हैं तो भी हमारी पूरी कल्पनाशीलता प्रभाव से ही गवर्न हो रही है या प्रभाव को ठीक करने के लिए गवर्न हो रही है। तो अभी भी मैं अपनी उस कल्पनाशीलता को खुद को देखने के लिए नहीं लगा रहा हूँ कि मैं आराम में हूँ या बेचैन हूँ, इस क्षण मेरा भाव क्या है, इस क्षण जो भाव मेरे में चल रहा है वो मुझे सहज स्वीकार है क्या, अगर सहज स्वीकार है तो मेरी स्थिति क्या है, मैं आराम में हूँ या बेचैन, अगर वो भाव सहज स्वीकार नहीं है तो मैं आराम में हूँ या बेचैन, पर अगर सहज स्वीकार नहीं है तो उसकी जगह क्या सहज स्वीकार है, तो आगे देखेंगे हरनी, तो ये यात्रा धीरे धीरे इस दिशा में और आगे बढ़ेगी। लेकिन आपने एक दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम सभी के लिए शेयर किया है, बहुत अच्छा, फिर आगे आपसे चर्चा करेंगे। इमीडिएट अगर इसमें कुछ आप कहना चाहते हैं, हरमीत तो कहिए, फिर उसके बाद हम लोग अनिल धनकर जी को सुनेंगे। भैया अभी अभ्यास करेंगे, अगर आगे करते हुए अभी रेगुलर शुरू करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, पूछते जाएंगे। अभी के लिए ठीक है भैया, शेयरिंग करना था। जी जी बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। धनकर जी मैं रह बोलिए। गया था, मेरी आवाज जी आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही, पहुंच रही, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल ठीक पहुंच रही है। भैया मैं जी, पहले तो आपको प्रणाम। मैंने दो UHB 1 UHB 2 दोनों कर चुका, और कंटिन्यूटी में नहीं बट 3 बार ये सेशन, 3 4 बार हमने अटेंड किया है। फिर जब बहुत गैप हो गया तो अनिल जी से मैंने बात करी और मैंने कहा मुझे लिंक के लिए मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, तो फिर हम आप लोगों के सुनने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। मैं भी 6 तारीख से ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा 10 दिन के लिए, लेकिन हमारे भैया ने जैसे बताया मुझे लगता है वहां भी हम बहुत, 1 घंटे तो कल नहीं बैठ पाया, बट मुझको बैठने में कुछ देर बड़ा शांत रहा। फिर एक फोन की घंटी बजी, उसके बाद मुझे विचार बंदरों की तरह आने लगे, कभी यहां उछलकर कभी वहां उछलकर। और मैं बड़ा बहुत बार करता हूं ये काम, जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी भैया नमस्ते। सभी नमस्ते। को नमस्ते भैया। मैं थोड़ा सा अपना पिछले 2 दिन का शेयर करना चाह रहा था। जैसे 2 दिन से जो अभ्यास करने की बात हो रही है, तो 2 दिन में तो ऐसा हो पाया है कि बहुत ज़्यादा समय खुद से ही बैठने का नहीं बन पाया है। और लेकिन अपने ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे हैं जो मैं मतलब बताना चाह रहा था, क्योंकि जैसे मैं अपने अंदर देख पाता हूँ तो देखने में ऐसा लगता है कि जब मैं दूसरों से जब कभी ऐसी बात होती है कोई भी, जैसे व्यक्तिगत आक्षेप अगर कोई करता है तो वो मुझे ज़्यादा बेचैन कर जाता है, ऐसा मैं अपने अंदर देखता हूँ। तो उस तरह से अगर कभी कुछ रहता है तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर जो विचार चल रहा है वो दुख भी दे रहा है, मुझे बेचैन भी कर रहा है, और दूसरे के प्रति विरोध का भाव भी आ रहा है। जानते हुए भी वो मैं उसको बहुत समय तक मतलब रोक नहीं पाता कि मैं ये रोक पाऊँ, और रोक के फिर मुझे क्या विचार चलाऊँ वो समझने में मुझे समय लग जाता है। फिर ऐसा आ जाता है कि जो जब विचार अगर चल रहा है विरोध का, तो फिर मुझे ये भी अपने शरीर पे भी कुछ प्रभाव पड़ने लगता है, वो भी दिखता है कि जैसे शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है, मेरे अंदर मतलब सीने में जलन सी होने लगती है, सांस भी मेरी अनियमित रहती है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, तो उससे फिर मुझे निकलने में थोड़ा समय लगता है, तो ये चीज़ होता है। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि मतलब जैसे अगर मैं, कई बार क्या होता है कि उस तरह से उसमें अंदर चल रहा होता है लेकिन रिएक्शन नहीं आता है, तो दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि मैं इस समय जो बोलूं वो क्या है, वो रिएक्शन होगा कि रेस्पॉन्स होगा, तो कई बार वो सोचने सोचने में ही वो सारा समय निकल जाता है कि
कि रिएक्शन क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे जहाँ काम चल रहा होता है मेरा, अगर वहाँ पे किसी से बात होनी है और मुझे ये पहले से आभास हो कि ये जो बात करेगा ये अभी मेरी कमी निकालने के लिए बात करेगा कि आप देखो ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, तो उसमें जब इस तरह से होता है और मुझे अब पहले से अगर पता हो तो मैं अपने अंदर ये कहता हूँ कि चलो मैं शांत से बात बात करूंगा, तब मैं उसके साथ बात होती है तो उस बात में वो वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भी जो है मेरे बात तो कहता है कि कमी हो रही है, लेकिन मैं उसको उस तरीके से बातचीत रख देता हूँ कि वो मेरे विरोध में नहीं आता और मैं भी उसके विरोध में नहीं आता, और बातचीत सही उसमें खत्म हो जाती है। और मैं अंदर अगर इस तरीके का भाव नहीं हो कि मैं शांत रहूंगा, तो जब वो बात कहता है तो फिर मेरे अंदर और उसके प्रति विरोध बनता है और फिर मैं अपना रिएक्शन उसके ऊपर दे देता हूँ, मैं भी तेजी से बोलना शुरू कर देता हूँ, वो भी फिर तेजी से बोलना शुरू करता है, तो बात फिर उस तरीके से खत्म हो। तो ये दोनों चीजें मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे कई बार ये चीज समझ में नहीं आती कि मैं रिएक्शन जो हो रहा है वो कैसे रोकूं और उसी समय पे रेस्पॉन्स कैसे दूं उतनी जल्दी, वो टाइम निकल जाता है मेरे। जी, तो देखिए मुद्दा रिएक्शन को रोकने का या किसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करने का नहीं है, मुद्दा तो भाव में स्पष्ट होने का है। तो जब कोई व्यक्ति आपसे सही व्यवहार नहीं कर रहा, तो आप अपने आप में देख सकते हैं कि मुझे उसकी चाहना पर शंका है क्या, क्या वो मुझे दुखी करना चाहता है या सुखी करना चाहता है, परंतु हेल्पलेस है इस टाइम। सुखी करना चाहता है, उसकी खुद की इतनी योग्यता नहीं है कि सुखी रह पाए ना मुझे सुखी कर पाए, तो ऐसा कर रहा है। तो ये बात अपने आप में पूछ सकते हैं। तो हम कहीं पे भी किसी भाव को कंट्रोल करने के लिए या निर्णय पूर्वक किसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो इतनी ही बात हो रही है कि तो भाव स्पष्ट हो जाए। तो दूसरा क्या चाहता है ना, ये बात स्पष्ट होना जरूरी है। इसके लिए ये भी स्पष्ट होना जरूरी है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं अपने आप से पूछ के देख सकता हूँ कि मैं इस व्यक्ति को जो मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा, दुखी करना चाहता हूँ या सुखी करना चाहता हूँ, इस बात को मैं अपने आप में देख सकता हूँ। तो मेरी चाहना क्या है, ये जितना मुझे स्पष्ट होगा उतना ही दूसरे की चाहना भी स्पष्ट होगी मुझे। ये बात भैया, जब घटना वो हो जाती है उसके थोड़े समय बाद इस चीज पे ध्यान जाता जी, है, तो उसी समय इसलिए तो थोड़ा हम ध्यान अभी नहीं शुरू जाता। का ये जो अभ्यास कर रहे हैं कि जी हमारी समझ का भाग बन जाए। अभी हमें विचार पूर्वक बहुत सारा निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि जी हमारी जी समझ का भाग नहीं है। एक बार हमारी जी समझ का भाग हो गया, फिर हमें अलग से इतना श्रम नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीज अभी बन नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखिए, अभी हमको ऐसा लगता है ना कि अभी हमने प्रयास शुरू किया और एकदम से सारी चीजें हमारे जीने में आ गए, जबकि मूलभूत काम भैया हुआ नहीं है। अगर हमारे अंदर सही भाव का चिंतन हुआ नहीं है, तो फिर हम विचार पूर्वक ही चलेंगे ना, और जब विचार पूर्वक चलेंगे तो उसमें उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, उसमें अनिश्चितता रहेगी, सामयिकता रहेगी। तो अभी अपने पूरा ध्यान देना है। मैंने अभी आप सुबह के सत्र में जुड़े हैं, तो इसमें अभी हम लोग जो अभ्यास एक करेंगे, जी भाव होने का अभ्यास करेंगे, और इसमें बात आपको और स्पष्ट होगी। इसमें ना भैया एक चीज है, जैसे कि मैंने जैसे जो पहले सबसे पहले वर्कशॉप करी थी वो 2016 में करी, फेस टू फेस वाली गोपाल भैया से। आवाज आ जी रही है? हाँ, आ रही है। जी। फिर उसके बाद में 2017 में फिर से मैंने करी, मतलब उस समय केवल ऑफलाइन ही वर्कशॉप हो रही थी, उस समय ऑनलाइन नहीं चलती थी। तो फिर से 2017 में वर्कशॉप करी गोपाल भैया से ही दोबारा से। तो उसके बाद में वो चीज़ कंटिन्यूटी तो नहीं बन पाई वर्कशॉप की, लेकिन वो तब से वो अपने ऊपर ध्यान देना या वो चीज़ें होनी तो शुरू हो गई थी। तो ऐसा मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों में रिजॉल्व भी हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जो है जहाँ पे ये मतलब क्या कहें, पर्सनल मैटर कह सकते हैं या फिर जो हम इसको बहुत सारी चीज़ों में अभी रिजॉल्व नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन वो दिख जाता है कि हाँ मैं रिजॉल्व नहीं हूँ ऐसा पता लग जाता है। तो जैसे अगर मैं विरोध का भाव चल रहा है तो ये नहीं पता लग पाता है क्या चलाना है उस समय पे। वही वही, तो देखिए अभी आपने 2017 में वर्कशॉप किया, उसके बाद से थोड़ा सा अभी गति कम रहा बात को, प्रस्ताव को सुनने का या स्वयं में जांचने का, जी कर देखने का, तो थोड़ी गति कम बन पाई। अब आप और गति थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जैसे आप अभी सुबह के सत्र में जुड़े हैं, अभी और कार्यक्रम भी आप भागीदारी कर सकते हैं, अपने ऊपर और समय लगा सकते हैं दिन भर में, तो फिर से ध्यान चला जाएगा।
समय तो भैया मतलब ऐसा है तब जब, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है जब आता है तो अपने आप ही ध्यान जाता ही रहता है ना, मतलब हम वही, अब बट अभी 2017 से 2024 हो गया, 7 साल में है ना, अभी आपका जुड़ाव नहीं बन पाया ढंग से, उसलिए गति हाँ थोड़ी हाँ कम बन पाई। हाँ अभी क्योंकि देखिए, वो अभी हम समाधान वाली चीजें नहीं बन पाई हैं, समस्याओं पे ध्यान चला जाता है, वही ना, समस्या है। जी तो अपने को तो अपने अंदर जांच परख को जारी रखना होगा ना। अभी हमने जी 7 साल कम ध्यान दिया और फिर हमको एकदम से लग रहा है कि अब सारे प्रयोजन पूरे हो जाए, सारा ध्यान चला जाए, बात समझ में आ जाए, उसमें समय लग सकता है। बढ़िया भैया, तो आप इसको कंटिन्यू करें 10th बैच में, है ना, और अलग से भी आप बात कर लें, कुछ और भी आप जी भागीदारी अगर कर पाए, आपके व्यवसाय से समय हो तो उसमें आप भागीदारी भी कर सकते हैं। जी मैं ये मतलब सोच रहा था कि मैं आपसे इस चीज के लिए पूछूं कि मैं अगर किस स्वरूप में कर सकता हूं भागीदारी, तो जी अगर मैं जी किसी स्वरूप में भी किसी तरीके से जुड़ पाऊं तो मतलब अपने ऊपर भी काम हो पाएगा और मैं एक मतलब अपने आप को भी देख पाऊंगा और ये भी देख पाऊंगा कि जो इसमें रिजॉल्व हो चुके हैं उसका व्यवहार किस तरीके से चलता होता है। बढ़िया बढ़िया भैया, तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ हैंड रेज और है लेकिन समय अपने पास थोड़ा कम बचा है, तो थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस अभ्यास को हम लोग आज भी करने का प्रयास करें कि आज भी हम लोग कुछ देर अपने साथ बैठे और देखें कि हम बिना अखबार बिना मोबाइल बिना किसी दूसरे व्यक्ति से बात किए कितनी देर बैठ पा रहे हैं और हमारे भीतर क्या चल रहा है, जो चल रहा है उससे हम आराम में है बेचैन है। तो आप देखेंगे कई बार तो हम बैठ ही नहीं पाते, तुरंत टीवी के तरफ मोबाइल के तरफ किसी के साथ बात करने के तरफ कुछ खाने के तरफ बाहर टहलने के बारे चलने सोचने लगते हैं जाने लगते हैं करने लगते हैं। फिर एक और स्टेज आती है कि जब हम बैठ तो पा रहे हैं एक्सटर्नल चीजों में फिजिकली तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं उसमें अभी भी एक्सटर्नल जो प्रभाव है बाहर के जो सोर्सेज है बाहर के प्रभाव है वो वही है कि दूसरे को ऐसा होना चाहिए, दूसरा मेरे हिसाब से ऐसा करे, ये घटना ऐसा हो गया उसमें ये करना था। तो किसी फिजिकल वस्तु से संवेदना को लेकर या किसी व्यक्ति के साथ भाव को लेकर व्यवहार को लेकर उसके बारे तो दूसरों के बारे ही बहुत सारा अपने विचारों में चलता हुआ हम लोग पाते हैं। तो एक बार जब अपने साथ बैठने का कुछ अभ्यास हो जाता है तो धीरे धीरे ध्यान देते हैं तो अपने चल रहे विचारों को भी देख पाते हैं। शुरू में बहुत भगदड़ दिखता है इसलिए कुछ कंक्लूड नहीं हो पाता लेकिन कुछ देर और बैठने पर साफ साफ दिखने लगता है क्या चल रहा है। तो फिर हम ये देख पाते हैं मेरे स्वयं के बारे चल रहा है या दूसरों को ही दूसरों के बारे ही या दूसरी वस्तुओं के बारे ही है ना, प्रभाव के बारे ही वो पूरी तरह से चल रहा है। तो पाते हैं कि बहुत सारा तो बाहर के प्रभाव को लेके ही चल रहा है, बीच बीच में कभी अपने बारे भी चल रहा है। फिर धीरे धीरे अपने अंदर प्रश्न बनता है कि इस समय तो मैं अपने साथ बैठा हूँ इसलिए मैं अगले आधे घंटे में खुद महत्वपूर्ण हूँ, बाकी चीजें भी महत्वपूर्ण है उन पर बाद में ध्यान देंगे, अभी मेरे में क्या चल रहा है, मेरी क्या स्थिति है, मेरा भाव क्या है, मैं आराम में हूँ बेचैन हूँ, अपना मेरी भाव को मुझे ध्यान देना है। तो धीरे धीरे मैं और अपने को ठीक से देख पाता है। तो इस यात्रा को हम लोग आगे जारी रखेंगे, बाकी साथी लोग भी आज करें इसको और अपने डिस्कर्सों को अपने नोटबुक में लिखें, कल इस पर और बात करेंगे। तो जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, प्रभाव से सुखी होने का प्रयास करते हैं तो एक प्रमुख तरीका जो उसका दिखाई देता है कि जो ये अनुकूल संवेदना है उसको पाकर सुखी होंगे। तो जो अनुकूल संवेदना है उसको रिसीव करके उसके आस्वादन से सुखी हो जाए। संवेदना का मतलब है शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, पांच इंद्रियां जो हमारे शरीर में है उसके माध्यम से हम शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों चीजों का आस्वादन करते हैं। तो कोई शब्द हमको आस्वादन में अच्छा लगता है उससे सुखी हो ले, कोई स्पर्श हमको अच्छा लगता है हमारे आस्वादन में हमने सही मान रखा है तो वैसा आस्वादन मिल जाए उससे सुखी हो ले,
इसी तरह से रूप को लेकर, उसी तरह से रस को लेकर, उसी तरह से गंध को लेकर। तो इन पांचों संवेदी अंगों से जो हमको इनपुट मिल रहा है, वो हमारे जिन संवेदनाओं को, जिन आस्वादन को हमने अच्छा मान रखा है, वैसा मिल जाए, उससे सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए एक तो उसके बारे सोचते रहते हैं कि वैसा आस्वादन कैसे मिले, या जिनको खराब मान रखा है उसके आस्वादन से कैसे बचे। तो एक निश्चित टेम्परेचर के टेम्परेचर को खराब मान रखा है, तो वो टेम्परेचर में ना गुजरना पड़े। नमक के रेंज को डिसाइड कर रखा है कि इतने रेंज से नमक अगर कम हुआ तो बहुत गड़बड़ है, तो हमको इतना नमक तो खाने में मिले ही मिले, चाय में इतनी चीनी तो मिले ही मिले, इससे कम चीनी मिली तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो या तो वैसा मिले, या जिसको खराब मान रखा है वो ना मिले, बहुत सारा हमारा विचार उसी अर्थ में चलता रहता है। तो हम प्रभाव से सुखी होने के रूप में एक सोर्स ये प्रयोग करते हैं। अपने को जब अभ्यास कर रहे हैं तो इस पर ध्यान दे सकते हैं दिन भर, कि आज पूरे दिन में मैं अनुकूल संवेदनाओं के आस्वादन से सुखी होने के लिए कितना प्रयासरत रहा सुबह से लेकर शाम तक। तो आज के दिन इस पर भी अभ्यास में करते समय इसको भी जोड़ें कि सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार मैं इस सोर्स से सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ, और फिर हो क्या रहा है, कितनी देर उससे सुखी रह पा रहा हूँ। ये सारी चीजों को भी हम लोग दोष पूर्वक देखने का काम करें। एक दूसरा सोर्स है, जब हम प्रभाव से सुखी होने का प्रयास करते हैं, कि जिन भावों को हमने अनुकूल मान रखा है, सम्मान के भाव को, स्नेह के भाव को, ममता के भाव को, वो भाव हमको दूसरों से मिलते रहे, उस अर्थ में हम विचार दौड़ाते रहते हैं, या ऐसे लोग जो हम सामान्यतः हमको इस तरह का भाव देते रहते हैं, हम उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ समय बिताना चाहते हैं ताकि उस भाव का आस्वादन कर सके। तो एक ये दूसरा सोर्स है। तो या तो हमको वैसा भाव मिलता रहे, या जिन भावों को मैंने प्रतिकूल मान रखा है, जैसे अपमान का भाव, द्वेष का भाव, अविश्वास का भाव, ये भाव हमको ना मिले, इनको फेस ना करना पड़े, उसके लिए विचार करते रहते हैं, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो एक ये दूसरा सोर्स, ये भी एक्सटर्नल सोर्स ही है। दूसरे की स्थिति ठीक होती है, अपने में सुलझा हुआ होता है, अपने में हार्मनी में होता है, तो वो हमको सही भाव दे पाता है। वही व्यक्ति जो खुद में डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है, तो हमको नोटिस ही नहीं कर पाते, या नोटिस भी करता है तो अपनी बेचैनी बाहर निकालता है, उस बेचैनी में हमारा अपमान हो जाता है, उस बेचैनी में हमारा जो है ना विश्वास कई बार हमारे प्रति उसका हिला हुआ दिखाई देता है। तो हमारा जो अनुकूल आस्वादन हमने उससे अपेक्षा लगा रखी थी वो पूरा नहीं होता है, हम वापस फिर उसी आदमी से बेचैन हो जाते हैं। तो ये दूसरा सोर्स है, बाहर से प्रभाव के माध्यम से सुखी होने का जो हम प्रयास करते हैं। आज दिन भर के अभ्यास में हम इसको भी जोड़ सकते हैं कि हम इस बात को थोड़ा होश पूर्वक देखें कि हम कितनी बार दूसरों से भाव पाकर सुखी होने के लिए प्रयासरत हैं, कितने बार अपना निर्णय इसी अर्थ में ले रहे हैं कि उससे ये अनुकूल भाव मिल जाए, या उससे वो प्रतिकूल भाव को ना फेस करना पड़े, इसलिए हम उससे मिलेंगे नहीं, इसलिए उससे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे अपेक्षा के अनुकूल भाव हमको दे नहीं पाता है। तो पता लगता है जब इसको देखना शुरू करेंगे आज ठीक से, तो दिन भर में कितनी बार हम इन दोनों सोर्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं। अब एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इन दोनों प्रश्नों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे दिन, जो पिछला दिन आप मूल्यांकित करिए, उसका पिछला दिन मूल्यांकित करिए, पिछला पूरा 2 दिन, कि इस पिछले पूरे 2 दिन में इन दो सोर्सेस से सुखी होने के प्रयास के अलावा आपने कौन से और प्रयास किए हैं अपने सुख के लिए। इन सभी प्रश्नों से, इन दोनों प्रश्न जो इससे पहले मैंने पूछे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पिछले 2 दिन जो हम जब से इस अभ्यास में शामिल हुए हैं, इस मॉर्निंग सत्र में शामिल हुए हैं, कम से कम उन 2 दिनों का तो हिसाब किताब हम लगाए, कि पहले सोर्स से सुखी होने और दूसरे सोर्स से सुखी होने के प्रयास के अतिरिक्त
किसी और सोर्स से सुखी होने का हमने क्या प्रयास किया है, या कोई और सोर्स भी हमारे ध्यान में आया है क्या जिससे मैं सुखी हो सकता हूँ। इन तीनों ही बातों का मूल्यांकन है ना, ऑब्जर्वेशन करें, उसका मूल्यांकन करें अपने भीतर, तो कुछ निष्कर्ष बन पाए। तो ये तीनों ही बातों को मैं एक बार आपके साथ फिर से रख देता हूं ताकि आप उसका मूल्यांकन कर सकें, आज कम से कम आज के दिन भर के लिए। ये अनुकूल संवेदनाओं से सुखी होने का जो प्रयास कर रहे हैं, अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप दिन भर में प्रयास कर पा रहे हैं उसको होश पूर्वक आप कोई तीसरा सोर्स है जिससे हम सुखी हो सकते हैं वो हमारे ध्यान में है क्या, और है तो हमने उसके लिए पिछले 2 दिन में क्या एफर्ट किया, और अगर नहीं किया तो आज दिन भर में क्या एफर्ट कर रहे हैं, और अगर उस एफर्ट को कर रहे हैं तो हम कर भी सकते हैं क्या, या उसमें कोई कठिनाई आ रही है। इन सारी बातों को हम ऑब्जर्व करें, तो जब ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों सोर्स तो प्रभाव से सुखी होने वाला सोर्स है, इसमें सुख की निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, निर्भरता है बाहरी सोर्सेस पे, उनके बदलाव के साथ ही सुख की स्थिति में बदलाव आ जाता है। कई बार वो मिलती भी रहती है तो हमारी स्थिति में जो बदलाव हो रहा है उसके आधार पर हमारी सुख की स्थिति बदल जाती है। तो जितना हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इन सबको अपने भीतर होता हुआ देख पाए, तो ध्यान जाएगा कि अभी तक बाहर की चीजों से हम सुख को जोड़ रखे थे, इसलिए बाहर की चीजों पर पहले ध्यान देते थे, अपने पर उतना ध्यान नहीं दिए थे, क्योंकि ये निष्कर्ष में नहीं था कि हमारे भीतर भी हमारे सुखी होने का कोई सोर्स है। अब ध्यान देते हैं तो तीसरे सोर्स पे भी ध्यान जाता है, ये तीसरा सोर्स भी है जो हमारे ही भीतर है, ये सही समझ, ये सहज स्वीकृत भाव, उसको अपने में समझ पाना, देख पाना, और उसके आधार पर अपने भाव विचार को सुनिश्चित कर पाए, उससे भी हम सुखी हो सकते हैं। और उससे जो हम सुखी हो रहे हैं उसमें एक निश्चितता है, उसमें एक निरंतरता है, धीरे धीरे उसको भी देख पाते हैं। जितना हम इसको देख पाते हैं तो ये भी देख पाते हैं कि बाकी दो जो ये प्रभाव वाले सोर्सेज हैं, ये सोर्स उससे थोड़ा अलग है, इसमें दूसरों पर निर्भरता नहीं है, पूरी तरह से ये मेरे पर, मेरे समझ पर निर्भर है, इसमें निश्चितता की संभावना है, निरंतरता की संभावना है। अगर मैं इसको समझ कर अपने में सुनिश्चित कर पाता हूँ तो मैं निरंतर सुखी होने की तरफ भी बढ़ पाता हूँ। तो जैसे जैसे ये तीसरे सोर्स पर ध्यान जाता है, हम अपने को और महत्व देने लगते हैं, अपने भाव विचार को महत्व देने लगते हैं, अपने समझ को महत्व देने लगते हैं। तो जितना शोध, जितना प्रयास, जितना एफर्ट हम बाहरी सोर्सेस को ठीक करने पे लगा रहे थे ताकि हम सुखी हो जाए, उससे कहीं एफर्ट ज्यादा, एफर्ट कहीं ज्यादा, प्रयास कहीं ज्यादा, मेहनत हम अपने को समझने के लिए, अपने भाव को समझने के लिए, अपने सहज स्वीकार भाव को समझकर अपने में सुनिश्चित करने के लिए लगाते हैं, और एक तीसरे सोर्स को भी जो ज्यादा निश्चितता, ज्यादा निरंतरता वाला सोर्स है, उसके प्रति और स्पष्ट हो पाते हैं और निष्ठान्वित हो पाते हैं और अपने प्रयास को इस दिशा में बढ़ा पाते हैं। तो ये तीनों ही सोर्स है, हम तीनों ही सोर्स को ऑब्जर्व करने का आज और दिन भर काम करेंगे। तो ये जो अपने में समझ का काम है उसके बारे हम लोग कल चर्चा करेंगे कि जब हम अपने में समझ के लिए प्रयास करते हैं तो बहुत सारे प्रस्ताव हमको बाहर से मिलते हैं, हम उन प्रस्तावों को सीधे सीधे मान लें या रिजेक्ट कर दें, बजाय इसके हम उसको अपने में जांचना शुरू करें कि ये जो सहज स्वीकृति, ये जो प्राकृतिक स्वीकृति हमारे भीतर है ही, ये जो प्रस्ताव आया है ये हमको सहज स्वीकार है, अगर सहज स्वीकार है, और अगर सहज स्वीकार नहीं है तो हम उस प्रस्ताव को वहीं रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर सहज स्वीकार है वो प्रस्ताव तो फिर हम उसको जीने में वैलिडेट करके देखते हैं। अगर व्यवहार से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो मानव के साथ जीने में वैलिडेट करते हैं, और अगर कार्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो शेष प्रकृति के साथ वैलिडेट करते हैं। अगर वो प्रस्ताव हमें सहज स्वीकार भी है और मानव के साथ व्यवहार में हम, तो उसका रिजल्टेंट उभय सुख होता है। अगर वो प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रस्ताव
आप उसको ठीक प्रकार से कर रहे हैं तो उभय समृद्धि होती है, समृद्ध होता हो, प्रकृति भी समृद्ध होती है। जब मैं ये दोनों ही टेस्ट को देख पाता हूँ कि वो प्रस्ताव मुझे सहज स्वीकार भी है और वैसा जी कर मैं उभय सुखी उभय सुख और उभय समृद्धि को सुनिश्चित कर पा रहा हूँ, तब मैं निश्चित हो जाता हूँ कि ये जो प्रस्ताव है ये मुझे समझ में आ गया है, यही मेरे लिए सही समझ है, तब मैं इसको निरंतरता में ला सकता हूँ। ये वाले मुद्दे पर कल चर्चा करेंगे, आज सिर्फ मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि हम कैसे अपने में सही समझ को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया हो, कल इस पर डिटेल बात करेंगे। आज ये जो जितनी बात मैंने अभी ये प्रभाव और स्वभाव को लेकर के रखा है, इस पर जो आपके ऑब्जर्वेशन है, आपके प्रश्न है, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी, जितना भी। भैया नमस्ते सभी को। भैया मैं पिछले 2 सत्र से जुड़ रही हूँ, ये मेरा तीसरा है। लेकिन अभी कल जैसे ये हुआ कि 1 घंटा स्वयं पे ध्यान देना है, तो मैं वो एक्सरसाइज कर रही थी, तो क्या मैं विचारों को तो देखती थी लेकिन उसके पीछे के भाव को कई बार नहीं पकड़ पाती थी। मैं थोड़ी सी क्लियरिटी भी चाहती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सही है या नहीं। एक्चुअली मैं बैठ के सोच रही थी, सोचते सोचते किसी व्यक्ति का, मतलब किसी मेरे साथ के कलीग का ध्यान मेरे ध्यान में उनका विचार आया। फिर बीच में उससे क्या है कि मतलब वो किसी परेशानी में थे, तो मैं उनके बारे में सोचने लगी, उनके बारे में। फिर कोई बीच में आ गया, फिर क्या मैं वो भूल गई कि मैं क्या सोच रही थी। लेकिन उससे रिलेटेड एक फीलिंग मेरे दिमाग में थी, मैं सोच रही थी कि मैं इतना परेशान क्यों क्यों, इतना दुखी क्यों, मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या सोच रही थी। तब मेरा दिमाग गया, ध्यान गया कि वो जो मैं सोच रही थी वो तो विचार था, और ये जो अभी मुझ में जो फीलिंग बनी हुई है परेशानी की या लगाव की, एक अटैचमेंट की, ये शायद भाव है। तो क्या मैं सही सोच रही हूँ कि ये विचार के पीछे का जो फीलिंग है ये वही है भाव है, जी, ये उसी भैया दिशा में आप पूछना। बढ़ रहे हैं, कम से कम लेवल का आप डिफरेंस देख पा रही हैं कि आपके विचार में जो चल रहा था दूसरे व्यक्ति को लेकर, घटना को लेकर, कैसे करेंगे, वो एक विचार का भाग था, लेकिन उस विचार के पीछे एक भाव भी था कि आप उस व्यक्ति के साथ उस घटना को किस भाव से देख रही हैं, और जिस भाव से आप उसको देख रही होती हैं उसी के आधार पर आपका सुख दुख निर्धारित होता है, आपका आराम और बेचैनी निर्धारित होती है। अगर उस व्यक्ति के साथ बहुत अधिमूल्यन के साथ, बहुत मोह के साथ देख रही होती हैं तो उसका एक अलग ढंग से प्रभाव पड़ता है, आप द्वेष के साथ देख रही होती हैं तो भी एक अलग ढंग का प्रभाव पड़ता है ना। आप उसके साथ विश्वास के भाव के साथ, सम्मान के भाव के साथ, सही आकलन के साथ उस व्यक्ति के बारे में विचार कर रही होती है तो एक अलग ढंग की स्थिति बनती है। तो आपने भैया एक लेवल का तो शिफ्ट लिया कि विचार देख पाए, और अभी एक और लेवल का आपने अपने भीतर शिफ्ट लिया, विचार से भी कुछ अधिक है जो मेरे को परेशान कर रहा है या आराम में ला रहा है, उधर आपका ध्यान गया है। अब धीरे धीरे और थोड़ी गहराई बढ़ेगी आपकी, तो वो कौन सा भाव है, वो कौन सा है ना अपने में भाव चल रहा है जिसके कारण आपका आराम और बेचैनी हो रही है, वो भी धीरे धीरे पकड़ में आना शुरू होगा। इतनी बात आपके प्रश्न के संदर्भ में अनुपमा जी कहना चाहता हूँ। भैया एक और प्रश्न था भैया, कि जैसे मान लीजिए मैं उनसे मैम से मैं कनेक्टेड हूँ, और वो किसी परेशानी में है, और उनकी परेशानी को सोच के मैं परेशान हो जा रही हूँ, तो फिर ये किस तरह की चीज है? मतलब मेरा उनसे विरोध भी नहीं है लेकिन तब भी मैं दुखी हूँ, ये वाली चीज थोड़ी मुझे कंफ्यूज करती है। जी, तो धीरे धीरे देखेंगे तो ये पता लगेगा कि आप उस स्थिति का सही सही अगर आकलन कर सकती हैं तो आपका जो भाव है उस परिस्थिति में ठीक बना रहता है और उस व्यक्ति का भी ठीक आकलन हो पाता है। और अपना भाव ठीक बना रहता है तो हम आराम में रहते हैं, और आराम में रहते हुए उस व्यक्ति की परेशानी में हम क्या सहयोग कर सकते हैं कि वो उससे बाहर निकल आए, उस पर ठीक से विचार कर पाते हैं, फिर उसमें जितना हमको कर पाने योग्य दिखता है उसको एग्जीक्यूशन में ला पाते हैं, धीरे धीरे उसका फल परिणाम आता है। लेकिन आप दुखी हो गए, बेचैन हो गए, क्योंकि आपके अंदर का ही भाव बिगड़ने लगा, या तो मोह के कारण है ना, या द्वेष के कारण, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो आपको जो सहज स्वीकार भाव था, जो आपके सही आकलन था, उससे आप थोड़े हट गए, इस कारण आप परेशान हो गए। और परेशानी के साथ जब आप कुछ सोचने जाते हैं तो बहुत ठीक ढंग से आप आकलन भी नहीं कर पाते,
और ठीक परिस्थितियों को भी नहीं पहचान पाते और उसमें क्या अभी किया जा सकता है वो भी नहीं देख पाते, तो सिर्फ परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, कई बार दुखी रहते हैं और अपना दुख भी उस व्यक्ति के साथ व्यक्त करते रहते हैं या विरोध व्यक्त करते रहते हैं। क्या उसके उसको बाहर निकालने के लिए वहां से उचित स्टेप लिया जा सकता है, हमारे ध्यान में उतने ठीक से नहीं आ पाता क्योंकि हम खुद ही अपने भाव बिगड़ जाने के कारण अंदर व्याकुल रहते हैं। जी जी अनुपमा भैया जी, धन्यवाद, काफी जी, बहुत सहयोगी रहेगा भैया ये प्रश्न मेरे लिए।